कमाल है, लड़कियां सिर्फ विक्की के इर्द गिर्द घूमती हैं। अबे इर्द गिर्द नहीं, लड़कियां विक्की के पीछे पीछे घूमती हैं। कोई भी लड़की हो, कैसी भी हो, दो मिनट के अंदर वो उसकी दीवानी हो जाती है। अरे नीता, आज विक्की कॉलेज नहीं आया। क्यों, विक्की के बिना मन उदास हो रहा है? विक्की, विक्की की क्या बात है, बातों में मिठास, चाल में क्या मस्ती है, और आंखों में ऐसी शराब कि झांको तो नशा हो जाए। कामदेव का रूप है विक्की। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग से उतर कर आ रही हैं। अगर आपको किसी देवता का इंतजार ना हो तो मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम विकास है। प्यार करने वाला दिल जिसके सीने में हो उनके लिए मैं विक्की नाम से जाना जाता हूं। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल साहब। गुड मॉर्निंग। दिस इज फॉर यू। फिर क्या लाई हो प्रोफेसर मिस वाडिया? फिर कंप्लेंट्स। जरूर विक्की के बारे में होगी। यस। माय गुडनेस, एवरी डे कोई ना कोई कंप्लेन है। क्या होगा इस लड़की का? मजबूरी छ, कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही होगा। नहीं, समझ में नहीं आता, माँ बाप शिकायत करते हैं और लड़कियां इसकी दीवानी हैं। पकड़ ली ना तुम्हारे दिल की बात, अब हाथ पकड़ने दो। हाथ तो पहले भी आपने पकड़ा था। जी, दुनिया एक बगीचा है जिसमें फूल और तुम। जी चाहता तुम्हें देखूं, सूंघूं, निहारूं, यही हो जिंदगी मेरी। कितना खूबसूरत तालाब है और साथ में एक गुलाब है। जी जी, मौसम गर्म है इसलिए नहाना धर्म है। मैं तैयार हो गया हूँ, अब तुम कपड़े उतार लो, फिर हम दोनों नहाते हैं। मुझे शर्म आ रही है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? बंदूक? पिताजी, तुम्हारे पिताजी के पास बंदूक है? रास्कल, बंदूक ही नहीं, इसमें गोली भी है। गोली भी आपकी है? मेरी ही है। तो फिर मैं चलता हूँ। अबे चाचा कहाँ है बदमाश कुत्ते? विक्की, ये रहे तुम्हारे कपड़े, ये तुम्हें यहीं पहनने होंगे। प्रिंसिपल साहब नमस्ते। जानते हो ये सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? जी, किसी ने कुछ बताया नहीं मुझे। मेहरबानी करके आप लोग अपना यहाँ आने का कारण बताएंगे? हम बताते हैं, हम यहाँ आए थे तुम्हें गोली मारने के लिए। ये तो छटा हुआ बदमाश है, समझ में नहीं आता आपके खानदान में कहाँ से पैदा हो गया है। मैं तो सोच रहा था खन्ना साहब के कुछ किराए के गुंडे लाकर इस साहबजादे की पिटाई करा दूं। कल मेरी एकलौती भांजी को आखिरी शो शेरमार दिखाने ले गए थे, वो भी पिछली सीट पर बैठ कर। मेरी दो लड़कियां हैं, दोनों को इस बदमाश ने अपने प्यार के चक्कर में डालकर दीवाना बना दिया है। अरे साई, दो तीन की बात करता है, मेरा तो सारा का सारा घर बर्बाद कर दिया है। मेरी तीन लड़कियों के साथ साथ मेरी बीवी को भी पागल कर दिया है, मैं तो लुट गया। वो चेरी समझती है कि ये जरूर मेरी किसी एक लड़की का साथ शादी करेगा। ऐ की शादी करेगा, ऐदी ते रोज शादियां होंदिया ने, मेरी पोली पाली तीनों इन्हें बर्बाद कर देता है। ओ छड्डो जी, मेरी कुड़ी तो कहंदा सी तेरा मेरा प्यार हीरे ते रांझे वरगा है। ओ माधिया रांझा, तेरा हीरा किथे ने ओए? खन्ना साहब, अपने लड़के को संभाल के रखिए और कंट्रोल में रखिए, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। हाँ बेटी, रास्कल, लोफर, सीधा हो जाओ, नहीं तो कुट खाएगा। फिटे मुकम्मल थक गए थे जा। मवाली, ला हौल वला कुव्वत, लगता है आपकी औलाद नहीं है। मर माटी में ले लोफर। देखा प्रिंसिपल साहब, इस नालायक के लिए मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है। वाकई खन्ना साहब, अब पानी सर से ऊंचा हो गया, अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। रूल्स के मुताबिक इसे हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आपका लिहाज करते हुए मैंने इसे सिर्फ अपने कॉलेज से निकाला है। आप इसे किसी दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेज दीजिए। अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है? दरी, मैं आपको शट अप! तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें ऐसी जगह पढ़ने के लिए भेज दिया जाए जहां तुम मेरे नाम का एडवांटेज ना उठा सको, समझे?
कल तुम बंबई जाने के तैयार हो जाओ, जाओ। अच्छा, तो अब ये दिल फेंक शहजादा बंबई जा रहा है। चलिए देखते हैं कि वहां क्या गुल खिलाते हैं ये। आप ही की प्रतीक्षा थी, यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? आपकी तारीफ। बाल मुकुंद ब्रह्मचारी अष्टवेदी रसायन शास्त्र में परवीन। रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री? टी नहीं, भोजन, भोजन। बावर्ची, सुनाओ, मुझे 5 टोस्ट और 8 अंडे का ऑमलेट बनाना। राम 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 राम। मेरे होते हुए इस शुद्ध शाकाहारी वातावरण में मांसाहारी वार्तालाप कदापि नहीं। क्या मतलब? अर्थात इस घर में अंडा, मटन, मुर्गी, मछली, ची, फू कभी नहीं आ सकती। और क्या क्या नहीं आ सकता? सुरा और सुंदरी अर्थात शराब और शबाब इस घर में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। आने पर मनाही है, लेकिन जाने पर किसी की मनाही नहीं ना? नहीं, कदापि नहीं। तो फिर आप जाइए। जी जी, मैं आ गया हूं। अब वो सब कुछ आएगा जो आपने कहा था नहीं आ सकता। तो आप गो, गेट आउट। श्रीमान जी, शांति से सोच लीजिए, तनिक विचार कीजिए। ये घोर अनर्थ होगा, अन्याय होगा, मेरा अपमान होगा। क्या करूं महाराज जी, आपके भाग्य में यही लिखा है। आपकी और मेरी कुंडली मिल ही नहीं सकती, इसलिए मान अपमान सम्मान इसका कोई नहीं है स्थान। आप कर जाइए प्रस्थान। तो फिर मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। शांताकारं भुजंगशयनं अपवित्रं। चाल। गेट आउट। रक्षा करना। आए, 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 आए,
अच्छा कॉलेज है। डायरी की सजा तो प्यार ही निकली। हाँ क्या चुनकर निकाला मेरे लिए कॉलेज? मीना जी प्रिंसिपल के पास जा रही है ना, मेरा मतलब शिकायत करने के लिए। वैसे जाना चाहिए इन्हें, सबक सिखाना चाहिए, बड़ी बदतमीजी करते हैं लोग। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। कल जो नाइक को फाइल दी थी वो ले आओ। तुम्हारी डे टू डे रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। हर वो काम जो एक स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए वो सब करके तुमने बड़ा नाम कमाया है। सर मैं कमिंग सर। मीना आओ, क्या बात है? सर आपकी वार्निंग के बाद भी प्राण मुझसे छेड़छाड़ करता है और मजाक के नाम पर गंदी गंदी गालियां देता है। हाँ सर, वो तालियां बजा बजा कर गालियां देता है और आग बजा बजा कर सीटी मारता है। मेरा मतलब है कि सीटी बजा बड़ा बीच में जबान चलाना जरूरी है क्या? दोष मेरा नहीं जबान का है सर। Shut up! जबान तुम्हारे मुंह में किसी और की है? Don't worry, Meena. I will take very serious action against Pran. Thank you, sir. It's all right. Pran को बुलाओ। जी मैं बुलाऊं? नहीं तुम जाओ, तुम बुलाओ। मैं तुम्हें इस कॉलेज में एडमिट करके एक आखिरी चांस दे रहा हूँ। अगर तुम अपनी हरकतों से बाहर नहीं आए तो तुम्हारा वही हशर होगा जो उस कॉलेज में हुआ था, समझे? जाओ, मैंने कहा ना जाओ। आपने बहुत अच्छा किया जो प्रिंसिपल के कान में बात डाल दी। वैसे मैं भी आपके साथ हूँ, घबराने की कोई इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरा मतलब है वैसे मैं आपका पड़ोसी हूँ, शांति निवास में रहता हूँ। अगर आपको किसी की शिकायत करनी हो, मरम्मत करनी हो या हजामत करनी हो तो मैं। अबे ओ, और देखो ये लड़की पटाना और हजामत करना दोनों एक बात नहीं है, तो ये सारी चीजें गुरु पे छोड़ दो। सुनिए देखिए, मुझे विक्की कहते हैं, अभी अभी प्रिंसिपल साहब से आप ही के बारे में बात हो रही थी। अगर कोई भी आपको परेशान करे मुझे बताइएगा, दो मिनट में रास्ते से हटा दूंगा। शुक्रिया, फिलहाल तो आप मेरे रास्ते से हटिए। अब ये रास्ता सीधा कैंटीन को जाता है ना? जी। कमाल है, हम दोनों के रास्ते कितने मिलते जुलते हैं। एक्चुअली मुझे भी कैंटीन जाना था। चलिए, ये रास्ता एक और जगह भी जाता है, लाइब्रेरी। क्यों गुरु, नहीं पटी ना? पटेगी, जाएगी कहाँ साहबजादी। चलो चाय पीते हैं। साहब अपना उस्तरा ज्यादा ही घुमा रहे हैं। अरे भाई समझने की कोशिश करो। अरे अगर ऐसा कोई पट जाता। नया रंगरूट है, पहला सबक ठीक से सिखाना चाहिए ताकि दोबारा सर न उठा सके। हजामत के साथ साथ मरम्मत भी कर दे। चलो चलो, पहला घरेलू। अच्छा, अरे कितना भी दाना मारो कुछ नहीं होने वाला। और दूसरा है, ए मिस्टर, कॉलेज में नया आए हो क्या? जी। ये प्राण और हम सब तुमसे मिलना चाहते हैं। विकी, विकी, बड़ों के सामने खड़े होकर बात करते हैं। नमस्ते। नमस्कार। हजामत तो अच्छी की है। चाय। बच्चे चाय नहीं पीते। चूसो। जी, इधर आ। मैं
निकाल। क्यों बुला रहे हो? जल्दी लगा। हंसो हंसो और जोर से। ये लो। थैंक यू। मैं कुछ दिनों में लौटा दूंगी। कोई बात नहीं, तुम्हारा काम हो जाए लौटा देना। अच्छा, तुम्हारी माँ कैसी है? ठीक है, ओके चलती हूँ। सीमा नाश्ता तो करके जाओ। नहीं, घर का सारा काम पड़ा है और देर भी बहुत हो गई है। अच्छा चलो। हाय सीमा, मैं आजकल जरा कराटे की प्रैक्टिस कर रहा। आजकल इसे नई बीमारी लगी है, हमेशा भौंकता रहता है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे। चलती हूँ। ये सीमा थी ना? हाँ, मेरी कुछ किताबें मांगने आई थी, मैंने इसे दे दी। अच्छा किया, अब मुझे नाश्ता भी दे दो। चलिए। मीना, आजकल इसका भाई क्या करता है? दिन में फैक्ट्री में काम करता है, रात को टैक्सी चलाता है, बड़ी मुश्किल से अपनी बहन को पढ़ा रहा है, साथ में घर भी चलाता है। भगवान करे हर माँ को ऐसा बेटा और हर बहन को ऐसा भाई मिले। पर ऐसा किसी को नहीं मिले। सुबह एक दर्जन ने फोड़ दिए। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप अपने बेटे की बुराई कर रहे हैं? नहीं बेटे, तारीफ कर रहा हूँ। तो फिर ठीक है। बात दरअसल ये डैडी कि आजकल कुछ दिनों से कमाल का फाइटिंग का एटमॉस्फेयर बना हुआ है। उस्ताद ब्रूसली की पिक्चर देखी थी ना, एंटर द ड्रैगन। बॉल उधर कैसे चला गया? कोई बात नहीं, लेकिन क्या एक्शन था कल। कल अपने कॉलेज में विकी ने क्या फाइट किया था। तू मेरे कपड़े और खराब करे, मैं यहां से चला जाता हूं। तू चालू रहे बेटा, चालू रहे। नॉक आउट। निगाहें हमसे मिलाकर हमको देखो, दिल अपना हम आंखों में लिए घूमते हैं। निगाहें निगाहों से हटाकर नीचे भी तो देखो, दिल वालों के लिए हम पांव में सैंडल लिए घूमते हैं। गुरु काफिया भारी पड़ा ना। चल काफिया भारी। चल। लाख हंसी देखे हैं, बस तुम सा नहीं देखा। जाने मन, मेरे हाथों में है तुम्हारे नाम की रेखा। बस इतना बता दो, वो कौन सा संगीत है जो तुम्हारी सांसों में बजता है? वो कौन सा गीत है जो तुम्हारे होंठों पे सजता है? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, डुबाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभा। भाई किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझसे लो। मेरा नाम मुझे मालूम है। अभी चलो अंदर, चलो चलो। अरे धक्का देता अंदर। अब बताता हूँ। बताओ क्या बताना है? क्या बताना भाई? बताओ कि तुम रघुनाथ हो। बताओ कि तुम रघुनाथ हो। मेरा मतलब ये है कि आई एम द ग्रेट रघुनाथ। तड़पा के रख देता हूँ मैं। ठीक है, तड़पा के रख दो। लेकिन लिफ्ट में तुम्हारा क्या काम? चिल्लाता है। क्या काम? You what do you mean? You said to me, you know my name. I come out. I am great Raghunath. मेरे साथ। अरे जानता हूँ आप great हैं, लेकिन एक मिनट आप एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। बोलिए। आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, वो रहा आपका फ्लैट। लिफ्ट से आपका कोई ताल्लुक नहीं। टू बी नोटेड एंड प्लीज नोट डाउन। नोट डाउन। मिलोड अबे कल के लौंडे, समझते क्या अपने आप को? I am my lord of this lift and lift is my lord. My lord to be
मेरे नालायक विद्यार्थियों, पढ़ाई के दुश्मनों, लाइब्रेरी पढ़ाई का स्थान है, नचाई का नहीं। संगीत को शोर मत बनाओ, मेरे सोए हुए गुस्से को मत जगाओ। जाओ 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 जाओ। अभी प्रिंसिपल साहब का क्लास है और वो आ रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप हंस क्यों रहे हैं। ये कोई सर्कस का तंबू नहीं है, कॉलेज का क्लासरूम है, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है, समझे? You rascal, get up, get out. आज कन्या बड़ी खूबसूरत लग रही है। कुछ लोग इतने बेशर्म होते हैं कि डांट खाने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अरे प्रभुदास, हमारे बारे में कुछ कह रही ना? अरे गुरु, किसमें इतनी हिम्मत है जो तुम्हारे बारे में कुछ कहे? यहाँ चाय पियो। तीन प्लेट बटाटा वड़ा। आज का सारा बटाटा वड़ा बीकी बाबू ने खरीद लिया है, आपको टोका देने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? मतलब आपने जो कुछ भी खाया वो बीकी बाबू की तरफ से है। ये रहे आपके बटाटे वड़े के 2 रुपए, एंड कीप द चेंज। गुरु, ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा कचरा हो गया है। चल बे, चल चाय पी, चल। पीता हूँ भाई। हो गया। रसगुल्ले खाओ और मुबारकबाद दो। थैंक यू। रसगुल्ले खाओ और नहीं, रसगुल्ले खाओ और मुबारकबाद दो। रसगुल्ले किस खुशी में? अपने प्रिंसिपल के कुत्ते का जन्मदिन है और इसी खुशी में विकी ने सारे कॉलेज में रसगुल्ले बंटवाए हैं। कुत्ते का जन्मदिन? हाँ। विकी के पास बर्बाद करने के लिए क्या बहुत पैसे हैं? अजी रईस, बाप का इकलौता बेटा है। ये तो रही कुत्ते की बात, अगर किसी लड़की का जन्मदिन होता तो वो उसके लिए चांदी का महल बनवाता, उसे सोने में तुलवाता। तुम रसगुल्ले खाओ बस। मुबारकबाद दीजिए। रसगुल्ले, रसगुल्ले। लेकिन क्यों? वो विक्की ने बताया आपके कुत्ते का जन्मदिन है। उसी ने बताया मुझे। मेरे कुत्ते का जन्मदिन है? हरगिज नहीं, मुझे कुत्तों से सख्त नफरत है, मेरा कोई कुत्ता नहीं। सर वो क्या है कि आज सुबह आपके घर के पास से गुजर रहा था तो काफी चहल पहल नजर आई, मैं समझा जन्मदिन है। जन्मदिन है मगर किसी कुत्ते का नहीं, मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो। जो साथियों, आज मैं पढ़ाई जैसी सूखी चीज को छोड़कर एक भीगी चीज दिखाता हूं। अब मैं इस क्लासरूम को बाथरूम बनाऊंगा। गुस्ताखी माफ, जिनको ये शो पसंद नहीं वो इस बाथरूम को इस क्लासरूम को छोड़कर जा सकते हैं। अब ये देखिए, एक जवान लड़की सुबह नींद से उठकर बाथरूम में क्या क्या करती है। रेडी? Thank you.
What is going on? Yes, sir. Get out. Thank you, sir. Silence. लो आ गई महारानी पढ़ाई करके। अरे किसी बात की आखिर हद भी होती है, 2 साल हो गए लेकिन मकान के किराया कुछ पटाई नहीं। जी हर महीने राशन लाते हैं उधार, उस पे रोकड़ा भी, और आज फिर पहुंच गए, माँ की दवाई के लिए 20 रुपए चाहिए। अजीब मुसीबत है, लड़का टैक्सी चला चला कर जो कुछ भी कमाता है सब बीमार बुढ़िया की दवाई उसे खा जाती है। अजी मैं तो कहता हूँ फेंको सब सामान बाहर निकाल के। देखता हूँ। सीमा चल मेरे साथ जल्दी। कहाँ? तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या? घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। ये दवाइयां जो लिख कर दी है जल्दी मंगवा लीजिए। अरे आप अभी तक यहीं हैं? जल्दी से ये दवाइयां ले आइए वरना आपके भाई का केस बिगड़ जाएगा। डॉक्टर साहब ये दवाइयां कितने की आएंगी? यही कुछ 500-600 रुपयों की। और हाँ खून बहुत बह गया है, शायद 4-5 शीशे खून भी देना पड़ेगा। साहब 19 नंबर का पेशेंट बहुत सीरियस हो गया है, जल्दी चलिए। चलो। अजी विक्की रईस बाप का इकलौता बेटा है, अगर किसी लड़की का जन्मदिन होता तो उसके लिए चांदी का महल बनवाता, सोने में तुलवाता। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ सीमा, एक साथ सारी मुसीबतें तुम्हारे पर आ पड़ी। मैं तो सिर्फ तुम्हीं को जानती हूँ, अब तुम्हीं से मदद मांगने आई हूँ। इसके बदले में तुम मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहो उसके लिए मैं तैयार हूँ। सीमा तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तुम उन लड़कियों में से हो जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ लेकिन मेरे अकेले से तुम्हारी समस्या का हल नहीं हो सकता, क्योंकि पिताजी हर महीने जितने पैसे मेरे लिए भेजते हैं उसे कई गुना ज्यादा पैसों की जरूरत तुम्हें है। कोई रास्ता निकालना होगा। कौन निकालेगा रास्ता? मैं निकालूंगा, मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। अपने लिए ही जीना क्या।
इस तरह ओ अपने लिए ही जीना क्या जीना जीना क्या जीना हर सुन ले ओ प्यारे सुन ले ओ प्यारे सुन ले हसीना सुन ले हसीना किसी के दिल को जो दे दे सहारा तूफान में आ जाए बनके किनारा जरा भी हो वो तो बन जाए तारा चमके बन के नगीना हो अपने लिए ही जीना क्या जीना सुन ले वो प्यारे सुन ले हसीना अपने लिए ही जीना क्या जीना सुन ले वो प्यारे सुन ले हसीना ये लो हिंग लगी ना फिटकरी चुखाया रंग अरे किसी को भारी भी नहीं पड़ा और देखो कितने पैसे जमा हो गए जब देने वाले के मन में दान का एहसास ना हो तो लेने वाले के मन में उपकार की भावना भी नहीं होनी चाहिए अरे तुम रो क्यों रही हो ये लो और किसी का भले होना हो आपका ये बहुत बड़ा उपकार है मुझ पर मीना देखो विकी ने भी क्या कमाल किया है मैं जीवन भर नहीं भुला सकती आपकी मदद की जो दोस्ती की बुनियाद पर की गई है सीमा जी मैं दोस्ती का भूखा हूँ दोस्ती बांटता हूँ दोस्ती मांगता हूँ मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ विकी जहाँ से जागे वहीं से सवेरा समझना चाहिए कम ऑन गुरु ये तो कमाल हो गया मीना को तुमने तो बस देखा कर दिया ना टेढ़ी खीर को सीधा बहुत चालू हो तुम गुरु ये वन मैन शो वाला नाटक मीना को पटाने के लिए किया था ना देख अगर एक तीर से दो शिकार हो तो तीर चलाने में हर्ज क्या है लेकिन गुरु जरा संभल कर रहना ये घरेलू किस्म की लड़कियां तालाब के पानी की तरह होती हैं जहाँ किनारा देखा वहीं घर बसाने की कोशिश देख भाई हमें तो मतलब है गोता लगाने से पानी तालाब का हो नदी का हो या समंदर का समझे समझ गया गुरु क्या कह रहे हैं तुम्हारे चलो समंदर नदी क्या तालाब मैं ये मानता हूँ कि तुमने ये प्रोग्राम एक अच्छे काम के लिए किया है जी नेक काम के लिए किया है मगर फिर भी कॉलेज के हॉल में इस किस्म की कोई भी हरकत करना बगैर इजाजत के मुमानियत है जी। ये तो मैं था कि तुमको छोड़ दिया हूँ मेरी जगह पर जो आने वाला प्रिंसिपल है वो कायदे कानून और डिसिप्लिन का सख्त है उसके सामने इस किस्म की कोई भी हरकत करोगे तो पछताओगे जाओ जी। जाओ क्या कहा प्रिंसिपल साहब ने अरे कहना क्या था बस एक वार्निंग दी मैं तो डर गई कि कोई सीरियस एक्शन ना ले ले एक्शन ले भी लेते तो क्या करते यही ना कॉलेज से निकाल देते मीना जी इस तरह के सोशल वर्क करते करते मैं कई कॉलेज से निकाला गया हूँ यहाँ तक कि मैं अपने शहर से भी निकाला गया माफ करना विकी मैंने तुम्हें गलत समझा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं यही तो मेरे साथ ट्रेजेडी है हर कोई मुझे गलत समझता है आपके विचार बहुत अच्छे हैं तो चलिए ना कप चाय पीते हैं सॉरी विकी हिस्ट्री का क्लास है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट I don't want to miss it. See you. Hello, Vicky. यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा इंतजार कर रहा था. चलो ना कप चाय पीते हैं. अभी हिस्ट्री का लेक्चर है. हिस्ट्री में रखा क्या है? Oh no, it's a very important lecture. I can't miss it. Bye. Bye. हिस्ट्री का लेक्चर. Hello, Vicky, darling. Hello. चलो ना हम दोनों चाय पीते हैं. जी.
चलो ना। वो क्या है कि हिस्ट्री का लेक्चर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैन मिस इट। विकी, मैं तुम्हें जितना बुरा समझती थी उससे कई ज्यादा अच्छे निकले। अरे तुम तो मुझे पहली नजर में ही अच्छी लगने लगी थी, लव एट फर्स्ट साइट। बस इतना बता दो, वो कौन सा संगीत है जो तुम्हारी सांसों में बजता है, वो कौन सा गीत है जो तुम्हारे होंठों पे सजता है। तुम बहुत प्यारे हो विकी, तुम्हें कैसे बताऊं मैं तुम्हें कितना चाहने लगी हूँ। तुम मुझे रुलाओगे तो नहीं? क्या मतलब? विकी, मैं जी नहीं सकूंगी तुम्हारे बिना। अगर तुमने कभी मुझसे बेवफाई की तो मैं जान दे दूंगी। अरे मेरी जान, विकी की जिंदगी में प्यार और वफा के अलावा रखा ही क्या है? एक बार मेरे सीने से लगकर तो देखो। तुम्हारे होंठ मेरे जी को जलाते हैं। प्यार का ये आलम, प्यार
से घटा मिले देखो धरती गगन, दोनों के मन जब मिल गए जुदा क्यों रहे दो बदन। सजनी तो दो फूलों की से, बजनी दो शहनाइयां, जन्मों के तुम साथी बनो मिट जाए तन्हाइयां। दिल से दिल मिलाओ प्यार दो, पहले मुझे जहां से मांग लो। ये मौसम प्यार का, ये आलम वाह, हम तो तुमको 30 मार का समझते थे, लेकिन अभी तक घास ही चल रहे हो। मैंने पहले ही कहा था मीना को पढ़ाना इतना आसान नहीं है। सबर कर चले, ये सबर का खेल है, इस खेल को आसान करके ही छोड़ूंगा। अच्छा? चल बढ़िया। हाँ? मेरा नाम भी विकी है। देखते हैं उस्ताद। मीना, अब तो मैं जी नहीं पाऊंगा। क्या बात है विकी? तुम मेरे दिल और दिमाग में ऐसे बस गई हो जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरा भी तो वही हाल है ना विकी। चलो चलते हैं, थोड़ी देर और रुक जाते हैं, देखो मौसम कितना अच्छा है। नहीं मीना, सफर बहुत लंबा है, देर हो जाएगी। चलो। इस गाड़ी को क्या हो गया? अब क्या करें? ठहरो मैं देखता हूं। अरे हाँ, याद आ गया, पास में मेरा एक दोस्त रहता है, इब्राहिम, मैकेनिक है, देखता हूं वो है कि नहीं। मैं भी चलती तुम्हारे साथ। इब्राहिम, इब्राहिम कहां चला गया? इब्राहिम, वो देखो लगता है कि चाय बनाते बनाते चला गया। तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूं। अभी तक तो सब कुछ सही जा रहा है, ये मौका हाथ से छूटना नहीं चाहिए विकी। विकी, क्यों ना हम आज ही चलकर डैडी से बात कर लें? अगर तुम्हारे डैडी ने मना कर दिया मैं तो मर जाऊंगा। डैडी ऐसा नहीं करेंगे, अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम उनकी बात को मना कर देंगे। चलो चलते हैं। लेकिन गाड़ी तो ठीक ही नहीं हुई। अरे अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो। मेरा मतलब चाय करते हैं, चलो। स्टार्ट हो गई, कमाल हो गया। देखो खन्ना, कई दिनों से मैं विकी की हरकतों को देख रहा हूं, बहुत बिगड़ चुका है वो।
गाड़ी को लाइन पे लाना इतना आसान नहीं है। उपाध्याय कुछ भी हो, तुम जो चाहे करो, लेकिन इस बदमाश को रास्ते पे ले आओ। मैं तुम्हारे सहारे इसे बंबई भेजा है और उसी कॉलेज में एडमिट किया है जिसके तुम प्रिंसिपल होगे। उपाध्याय अगर वो तुमसे भी ठीक नहीं हुआ तो मैं तो कहीं का ना रहूंगा, ऐसी औलाद से तो बेऔलाद ही होना अच्छा है। उसने मेरा मुंह काला कर रखा है, उसे बेटा कहते मुझे शर्म आती है। धीरज रखो खन्ना, मैंने सोच लिया है करना क्या है। कॉलेज का चार्ज लेने में अभी मुझे कुछ वक्त है, और वैसे मैं चाहता भी यही हूं कि तुम्हारे बिगड़े हुए शहजादे को ठीक करके ही कॉलेज का चार्ज लूं। अरे मीना, तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? ऐसे ही बैठी हूँ, विकी का इंतजार कर रही हो ना? हाँ। लेकिन लेकिन क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्या विकी तो चला गया कॉलेज में, वो नई लड़की आई है ना रीटा, उसके साथ। दुनिया एक बगीचा है जिसमें फूल हो तुम, जी चाहता है तुम्हें देखूं, तुम्हें सुनूं, तुम्हें निहारूं, यही है जिंदगी मेरी। बस इतना बता दो वो कौन सा संगीत है जो तुम्हारी सांसों में बजता है, वो कौन सा गीत है जो तुम्हारे होंठों पे सजता है। ओ विकी, यू आर सो स्वीट, यू आर अ डार्लिंग। बस तुम इसी तरह बोलते रहो और मैं इसी तरह सुनती रहूं। मैं संगीत की किसी भी सजली को तुम्हारे पास भटकने नहीं दूंगी, समझे? और प्रिंसिपल साहब का ये कहना है कि मेरा कद बहुत छोटा है। अरे सुनो, विकी कहाँ है? मैंने तो उसे सुबह से नहीं देखा, क्यों क्या बात आज है? उसका जन्मदिन है। जन्मदिन? अरे वाह, जन्मदिन, तब तो उसे पकड़ना चाहिए, हर एक फर्स्ट क्लास पार्टी होनी चाहिए। हाँ, चलो चलो चलो, 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 चलो। लगता है किसी का इंतजार हो रहा है। तुमसे मतलब? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि आज विकी का बर्थडे है, तो तुम्हें तो विकी की बर्थडे पार्टी पे होना चाहिए था। अब देखो ना, सारे लड़के लड़कियां उसके साथ गए हैं। किसी यार को जितना मिले, जहां मिले, जिससे मिले, लेते चलो तुम प्यार को। बांधो नहीं रस्मों से, वादों से, कसमों से किसी यार को। जितना मिले, जहां मिले, जिससे मिले, लेते चलो तुम प्यार को। ओले ओले दिल मेरा, ओले ओले दिल मेरा, दिल मेरा, भोले भोले दिल मेरा। आए का
भोले दिल मेरा भोले भोले दिल मेरा आए बांधो नहीं रस्मों से बातों से कसमों से किसी यार को जितना मिले जहां मिले जिससे मिले लेते चलो तुम प्यार को गिनती की सांसें हैं जी लो तुम हर एक घड़ी ख्यालों में सवालों में खोना न तुम जिंदगी गिनती की सांसें हैं जी लो तुम हर एक घड़ी ख्यालों में सवालों में खोना न तुम जिंदगी ओले ओले दिल मेरा भोले भोले दिल मेरा होले होले दिल मेरा भोले भोले दिल मेरा हाय बांधो नहीं रस्मों से वादों से कसमों से किसी यार को जितना मिले जहां मिले जिससे मिले लेते चलो तुम प्यार को ओले ओले दिल मेरा ओले ओले दिल मेरा ओले ओले दिल मेरा ओले ओले दिल मेरा हाय वाकई क्या बर्थडे था मजा आ गया अब फिर कब मना रहे हो हैं ये तो कोई बहुत बड़ा पेड़ लग रहा है गिरा हुआ हाँ अभी तो लगता है कि ऐसी सड़क पर चलने के लिए फ्लाइंग कर चाहिए कभी पेड़ कभी पत्थर अबे मुंह का देख रहा जगह देखना जाता हूँ अभी एक झटके में हटाता हूँ देखो अरे बाप रे इतना बड़ा कोई बात नहीं मर गए गुरु इतना मोटा और भारी पेड़ अपने लोगों से हटने वाला नहीं है भाई अब क्या होगा ऐसा लगता है आज रात यही गुजारनी होगी मेरे भैया और माँ बहुत चिंता करेंगे और मैं तो घर पे किसी को कह के भी नहीं आई थी किसी को बुलाया ना मदद के लिए अरे बाबा कितनी रात गए ये जंगल में बाघ और भालू ही होंगे बाबूजी बाघ और भालू हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं ना नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई जी अब बाघ भालू हाथी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाह भैया वाह जिस तरह डॉक्टर के पास हर बीमारी का इलाज होता है ना इसी तरह तकदीर के पास हर समस्या का हल होता है लेकिन ये समस्या किसकी तकदीर से हल हो रही है हम सब में से लकी आदमी एक ही है विकी दैट्स राइट वैसे ऐसे मौके पे मेरी तकदीर का दरवाजा भी खुल जाता है लेकिन कटवाना पड़ता है देखो कट रहा है ना हाँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये कटने से मेरे तकदीर का दरवाजा बंद हो रहा है जाइए बाबूजी रास्ता साफ होएगा बहुत बहुत मेहरबानी ये लो तुम्हारा इनाम ये कागज के टुकड़े से कहा होगा बाबूजी शहर में कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दो तो जाने नौकरी करोगे क्या नाम है तुम्हारा बंसी ये लो मेरा कार्ड कार्ड नहीं बाबूजी नौकरी चाहिए उसी की बात कर रहा हूँ बाबा कभी शहर आओगे तो सीधे इस नाम और पते पर चले आना हाँ नौकरी मिल जाएगी अरे बहुत बहुत मेहरबानी बाबू जी बहुत बढ़िया आदमी है अच्छा भाई बाय 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 कौन है हेलो मेरा नाम रघुनाथ है मिस्टर मिस्टर यू सी मिस्टर मिस्टर नहीं मिस
I don't see, Mr. I mean, Miss. I'm sorry, Mr. Miss. Paanch maale ka button. Paanch maala. Pandra number ki, Miss. Good luck, young man. And good luck, Miss. Paanch maala, man. Don't miss this, Miss. To be noted. Hi, darling. बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अरे तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। वैसे कल रात पार्टी में बहुत मजा आ गया। ए सुनो, आज मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। कल तुम्हारा जन्मदिन था, बुलाना तो दूर रहा, खबर तक नहीं दी तुमने। किसी भी रिश्ते में इतना अपनापन कभी महसूस नहीं किया। तुम महसूस नहीं कर पाए इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ते में अपनापन है ही नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं अपने आप से जबरदस्ती कर रहा हूँ? मुझे तुमसे प्यार है और मैं इसे कबूल नहीं करना चाहता। कबूल किया है तुमने कई बार। ओहो, अरे भाई मैंने कह भी दिया तो तुमने इतना सीरियसली क्यों ले लिया? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, सच्चा प्यार। वो प्यार जिसकी खातिर इंसान हंसते हंसते अपनी जान भी दे सकता है। और आज ये कह देती हूँ कि जिसके कदमों में दिल रख दिया है उसके कदमों में जान भी दे सकती हूँ, मगर उसे कभी भुला नहीं सकती। हेलो, मेरा नाम रघुनाथ है। हेलो रघुनाथ जी, प्लीज कम इन। प्लीज कम। अरे यू आर वेरी गुड बॉय। ओ नो, यू आर 15 नंबर की मिस। इसका मतलब है कि आई एम दिस मिस। यू आर वेलकम। आई एम वेलकम। अरे जिंदगी में पहली मर्तबा किसी ने मुझे वेल और कम कहा है। मेरा प्यार
अरे दिलदार सिंह आ जाओ। ओ बस बस जी, बड़ी मेहरबानी, आपको एक कुड़ी मिलने आई सी। लड़की? ओ बिल्कुल कुड़ी जी, आपका ताला बंद था लेकिन हमारा खुला था, ये चिट्ठी छोड़ गई। ओ बड़ी सोहनी कुड़ी सी, गुलाब दा फूल, लेकिन चिट्ठी भी बड़ी सोहनी लिखी। मैंने नहीं खोली जी, ये तो मेरी बेवकूफ जनानी ने खोली है, वो मुझ पे शाकी रखती है। लेकिन तुसी घबराओ नहीं जी, अगर आपको ऐसी वैसी चिट्ठी मंगानी हो ना तो दिलदार सिंह के पते पे मंगा लिया करो। की क्या है? चल अंदर। अब तो मारा गया दिलदार सिंह। मेरे प्यारे विक्की, आज मुझे तुमसे फैसला करना है कि मुझे जीना है या मरना है। तुम हाथ थाम लोगे जिंदगी सवर जाएगी, तुमने ठुकरा दिया, कसम भगवान की अपने शरीर से तमाम रिश्ते तोड़ दूंगी। मैं जीऊं या मरूं यही जानने के लिए मैं 3 बजे आ रही हूं। सिर्फ तुम्हारी मीना। 3 बजे? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ए? क्या बात है भाई, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। 2:30 बज गए भाई, 3 बजे 2 कन्याएं मिलने आ रही हैं, मीना और चंदा। मीना और चंदा आ रही हैं? फिर तो 3 कहो, गीता को भी तो 3 बजे मिलने बुलाया है आज। फिर तो मर गया। क्यों? उनमें से एक बहुत खतरनाक है। मीना ना? हाँ। लेकिन वो चाहती क्या है? कहती है मैं ना मिला तो जान दे देगी। दे सकती है मीना, जान दे सकती है। लगता है मीना आ गई। ये मीना नहीं, डाकू मान सिंह लग रहा है। ठहर ठहर, मैं देखता हूँ। अरे बाप रे, ये तो सही में डाकू मान सिंह दिखता है। कौन हो तुम? पहचाने ना ये बाबू जी, भूल गए? पूरा जंगल में पेड़ काट के हम ही तो गाड़ी का रास्ता साफ किए रहे। पहचान गया? मैंने भी पहचान लिया। हाँ पहचाने ना? बिल्कुल। अच्छी तरह। बस मालिक बड़ी उम्मीद से तोरे पास आए हैं, अब हमका कोई काम दे ही दो। काम? अरे यहाँ तो जान पर बनी है। का? यहाँ कोई काम नहीं है भाई। काम ना ही? नहीं। बन गया, बिल्कुल बन गया। का बन गवा मालिक? तुम्हारा काम बन गया, मतलब नौकरी पक्की। अच्छा, एक मिनट, ये रहा स्टूल। हाँ। और ये रही चाबी। चाबी? हम दरवाजा बंद करके अंदर बैठेंगे। हाँ। और तुम बाहर। हाँ। और जो भी आए 3 लफ्जों में जवाब देना। हाँ। हम घर पर नहीं है। हाँ। हो गया? झूठ, ये तो पाप है मालिक। अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पाप नहीं होता। सच है? फिर तुम नहीं जानते हम लोग कितना परेशान हैं। कभी कोई चंदा मांगने आ जाता है, कभी कोई वोट मांगने आ जाता है, कभी कोई वो मिस कोकिला सामने रहती है हमारे, दिन में 25 मरतबा टाइम पूछने चली आती है। अब आप सोचिए ना। समझ गया, ये झूठ मां तो कोनो पाप नहीं। चलो ये नौकरी कर ही लेते। चाचा, अभी 3 बजे बारी बारी 3 लड़कियां आएंगी। हाँ। सभी को यही कहना मैं घर पे नहीं हूँ। हाँ। सिर्फ एक को छोड़कर। किसको? वो की कोनो निशानी तो बताओ। चेहरा चांद जैसा। हाँ। आंखें अंबर सी। हाँ। होंठ जैसे संतरे की फांके। गुरु आप तो चाचा आ गए, ये संभाल लेंगे, मैं चलता हूँ। ठीक है। मैंने भी शर्मिला को टाइम दिया है। अरे अरे बंसी दादा, तुम यहाँ? हाँ बिटिया, बाबूजी हमका काम पर रख लिए। हाँ बाबूजी बहुत अच्छे हैं और काम भी आसानी है। यहाँ बाहर बैठो और झूठ बोलो। क्या? हाँ, साहब अंदर हैं और हमका सिर्फ 3 लफ्ज बोले का है, साहब अंदर नहीं है और सिर्फ 1 लड़की को अंदर भेजे का है। अच्छा, तो वो लड़की मैं ही हूँ,
चंदा। चंदा? हाँ, चांद जैसा मुखड़ा और आंखें संतरे सी आंखें और अंबर से होठ। हाँ, तुम ही हो। जाओ जाओ। चंदा तुम क्यों? मुझसे ही तो मिलना था ना। बाकियों को तो बाहर से ही भगाने का इंतजाम किया है ना तुमने। क्या करो चंदा, करना पड़ता है। नहीं, आज मुझे किसी से नहीं मिलना। क्यों? मेरे एक चाचा जी आने वाले हैं, लड़कियों को देखते ही उन्हें फिट पड़ते हैं। क्या पड़ता है? अरे तुम्हें नहीं मालूम, लड़की की शक्ल देखते ही सर पकड़कर अपने बाल नोचते हैं, फिर लड़की का बाल नोचते हैं। अरे बाप रे, अब क्या होगा? तब तो मैं जाती हूँ। हाँ, जाओ जाओ। अरे सुनो, मत जाओ, कहीं वो आना जाए। तुम ऐसा करो, कहीं छुप जाओ। कहाँ छुपा? तुम जल्दी से किचन में छुप जाओ। बंसी चाचा, बंसी चाचा, बंसी चाचा। हेलो विकी। विकी, तुमने बहुत अच्छा किया जो बंसी चाचा को नौकर रख लिया। बहुत शरीफ आदमी है और हमेशा सच बोलते हैं। हाँ, सच लगता है, बिना पूछे भी सच बोल लेते हैं। हाँ, कुछ कहा तुमसे? हाँ हाँ, कह रहे थे जब कोई काम ना आए ना, तब गीता ही काम आती है। डार्लिंग, गीता, आज मेरे मामा जी आने वाले हैं। तो क्या हुआ, आने दो। नहीं नहीं, वो क्या है कि मेरे चाचा जी ऐसे आदमी है कि चाचा जी या मामा जी? ओ, एक्चुअली चाचा जी। क्या है कि गलती से। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बात ही कुछ ऐसी है, मेरे चाचा जी को फिट पड़ते हैं और लड़कियों को देखते ही बाल नोचना शुरू कर देते हैं। किसके? पहले अपने, उसके बाद लड़की के। वो कब आने वाले हैं? अभी शायद आ गए। तुम ऐसा करो, उस कमरे में छुप जाओ और जल्दी करो, कम ऑन। तुम आ गई मीना, कैसी हो? क्या फैसला किया तुमने? फैसला किस बात का? शादी का। ओ हाँ, शादी तो करनी है, वो पक्की है। मीना, चलो ना इस वक्त कहीं बाहर चलते हैं। क्यों? मीना, हर पल को एंजॉय करना चाहिए। तुम, मैं, ये तन्हाई, धड़कते हुए दिल, मचलते हुए अरमान, कांपते हुए होंठ, लेकिन यहाँ नहीं। चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, चलो ना। अरे आप दोनों जाई थे? मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि तुम फरेबी हो, मुझे धोखा दोगे, शादी से इनकार करोगे। मीना जी, आपने जो कुछ भी सोचा है ठीक सोचा है। क्या? मैं तुमसे शादी वादी करने वाला नहीं हूँ। तो फिर तुमने आज तक प्यार का नाटक कर रहा था मेरे शरीर से? मैंने जो कुछ भी तुम्हारे शरीर के साथ किया है तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं किया। अगर इसके बदले में कोई जुर्माना चाहिए, पैसे चाहिए तो ले सकती हो। कुछ पैसे तुम्हारे घर भेज दूंगा, लेकिन आइंदा तुम मेरे घर नहीं आना। चलो उतरो। क्या? मैंने कहा ना उतरो। डार्लिंग, तुम्हारे बिना आजकल मुझे कुछ सूझता ही नहीं। ओह हाउ स्वीट। अरे आजकल तो बस तुम ही सपनों में छाई हुई हो। बाय।
मीना। छोड़ दो मुझे, मुझे मर जाने दो। मरने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। कैसे मरना है मैं बताता हूँ, चलो मेरे साथ। Cheers. विकी, कहीं मीना तो नहीं आ जाएगी? मीना कौन? अच्छा अच्छा वो मीना, अरे वो यहाँ कभी नहीं आएगी। लेकिन वो हाथ धो के तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? अब मैं क्या बताऊं, मैंने जिंदगी में इतनी बेशरम लड़की नहीं देखी। मैं जितना उससे दूर भागता रहता हूँ वो उतनी मेरे पीछे पड़ी रहती है। गाली दो, बेइज्जती करो, घर से निकाल दो, लेकिन गिले गुड़ की तरह चिपकी रहती है। फिर तो जरूर बेशरम होगी। वो चुड़ैल कहीं तुमसे प्यार तो नहीं कर? अरे छोड़ो ना, काहे का प्यार, वही घिसा पिटा शादी का नाटक। तुम अंदर कैसे आ गई? तुम्हारे बंद दरवाजे मुझे अंदर आने से नहीं रोक सकते। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा प्यार नाटक नहीं है विकी, मैं गले पड़ू नहीं हूँ और ना ही मैं बेशरम हूँ। तुमने मेरी ही नहीं, मेरे प्यार की भी तोहिन की है। अब मैं नहीं जी सकती। मीना, 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 तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। अरे क्या कर रही हो तुम? मैं मरने जा रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम्हें मरना है तो कहीं और जाकर मरो। यही तुम्हारे घर में मैं अपनी जान दे दूंगी ताकि दुनिया को पता चले तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी को बर्बाद किया। अब मैं तुम्हारे प्यार की खातिर मरने जा रही हूँ। और याद रखना विकी, मेरी आत्मा तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। मीना, अरे रुको मीना, अरे मेरी बात तो। अब अंधेरा हुए तक आराम करो, हम भी आराम करते हैं। तुम बहुत प्यारे हो विकी, मैं तुम्हें बहुत जाने लगी हूँ। तुम मुझे रुलाओगे तो नहीं? क्या मतलब? मतलब मैं जी नहीं सकूंगी तुम्हारे बिना। अगर तुमने कभी मुझसे बेवफाई की तो मैं जान दे दूंगी। जिसके कदमों में दिल रख दिया है उसके कदमों में मैं जान भी दे सकती हूँ। हेलो। हाय विकी, मैं प्रभुदास। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। नहीं तो मदद की जरूरत हो तो मैं आऊं। मदद किस लिए? मेरा मतलब है अगर मीना ज्यादा जोर से मर जाने की धमकी दे रही है तो मैं पहुंचता हूँ। नहीं नहीं, वो चली गई। चली गई? मतलब कि उसने जान दे दी? नहीं नहीं, वो यहाँ से चली गई। जहाँ से चली गई? ओफो, मेरा मतलब वो अपने घर चली गई। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं आता हूँ यार, रम्मी खेलते हैं। नहीं नहीं सुन, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। रोको रोको, गाड़ी रोको। कौन हो तुम लोग और इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? साहब के सर में दर्द, हाथ तो निखावा खाने निकले। जी हाँ जी। अरे तुम विकी हो ना, खन्ना साहब के बेटे? हाँ वो ही। देखो विकी बेटे, रात गए यहाँ घूमना मत। आज एक लड़की की मौत हुई है जो। हाँ वो तो मालूम है। और हमें खबर मिली है कि कातिल लाश छुपाने के लिए यहाँ आ रहा है। तो आपका सोचे थे लाश हमारी गाड़ी में है। तुम चुप रहो। हाँ। जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। हाँ। विकी ज्यादा घूमना मत, फौरन घर लौट जाओ। जाओ। चलो 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 बाबू, जल्दी। और डायरी को जब खत लिखोगे मेरा नमस्ते लिखना। हाँ। जी हाँ। चलो Oh.
चले बाबूजी, सब खत्म हो गया। हाँ, चले। अब कोनो चिंता नहीं। हेलो, बाहर बहुत बारिश हो रही है। थम गई? थम गई ना। और लड़की पहुंचा दी? पहुंचा दी ना, तो अंदर आओ, अंदर आओ। चाचा, 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 मीना फिर से आई है। आप अभी तक वही वहम्मा है। मीना हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है बाबूजी। नहीं चाचा, मैंने अभी अभी उसे यहाँ से गुजरते हुए देखा है। उसके पायल क्या? देखो उसके पैर का निशान। पैर का निशान? चाचा, किचन से आवाज आ रही है, आपको सुना नहीं दे रहा? हम वैसे ऊंचा सुना था बाबूजी। चाचा, मीना किचन में है। ये कैसे हो ही सकता है बाबूजी? चलो देखते हैं। देखो यहाँ तो कोई नहीं है। ये चाय का पानी किसने रखा? तुम ही ने रखा होगा। मैंने नहीं रखा। हमने भी ना ही रखा। तुमने भी नहीं रखा, तो फिर किसने रखा? अरे छोड़ो, किसी ने भी रखा हो, पानी गर्म है तो चाय पी लेता है। तुम बाहर बैठो, हम चाय लेकर आवत हैं। ले गरम गरम चाय पियो मालिक। ये कौन आ गया? हम देखते हैं। ये तो पुलिस है बाबूजी। ये पुलिस यहाँ क्या लेने आई है? आए होंगे तो आप ही के लिए बाबूजी। आप जल्दी से छुपे जाइए, हम कोनो तरह इन्हें टाल देते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। विक्की कहाँ है? वो घर पर नहीं। ये कैसे हो सकता है? घर पे नहीं है तो कहाँ है? पता नहीं बाबूजी, तो रातें से लौटे नहीं। तुम कौन हो? हम बंसी हैं। बंसी? बाबूजी ने हमका काम पर रखा है। दो प्याली चाय। अगर विकी घर पे नहीं है तो ये दो कप चाय किसके लिए? किसके लिए? बोलो बोलो। दरअसल हम दो प्याली चाय पीवत है, अलग अलग कप मा। ये हमार बचपन की आदत है। ये बहुत अजीब आदत है और बहुत बुरी भी। अब क्या करें बाबूजी, लग गवा है तो बुढ़ापे में कहां से छूटेगी। बाबूजी आवे तो कुछ कहें। हाँ, मैं मीना का पिता हूँ। विक्की आए तो उसे कहना कि मुझसे घर पे आके मिले, समझे? कौनो जरूरी काम था बाबूजी? अरे जरूरी काम था तभी तो इंस्पेक्टर साहब को तकलीफ दी। मुझे ये घर मालूम नहीं था, इनको मालूम था। चलिए इंस्पेक्टर साहब। ठीक है चलिए। मीना के डैडी को मुझसे क्या काम हो सकता है बाबूजी? मीना जब घर नहीं लौटी होगी तो उन्होंने खोजबीन की होगी, पुलिस के पास गए होंगे। आप और मीना एक दूसरे से बेहद प्यार करते रहे तो मीना के बारे में आपसे पता करना चाहते होंगे कि मीना कहाँ है। पर उन्हें क्या पता कि मीना अब कभी नहीं मिलेगी। पायल की आवाज। मंसी चाचा, पायल की आवाज। मीना के पायल की आवाज। बाबूजी आपको कहाँ हो गवा है, मीना तो मर चुकी है बाबूजी। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है बाबूजी? आपको ये घर में कभी मीना दिखाई देते हैं, कभी उसके पायल की आवाज सुनाई देते हैं। हमारे ख्याल से बाबूजी हम यहाँ से कहीं और चले चलते हैं। हमारे गांव के पास एक बहुत अच्छी जगह है बाबूजी, बिल्कुल नदी किनारे, वहां चलते हैं। कुछ ही दिन में सब ठीक हो जाएगा बाबूजी। आज ही चलते हैं। देखा अच्छा है ना।
कितनी खूबसूरत और प्यारी जगह है बाबूजी। आपको यहाँ कौन परेशानी नहीं होगी बाबूजी। हाँ, सुंदर सुंदर नजारों के अलावा यहाँ कच्छू नहीं दिखेगा। पंछियों की मधुर बोली के अलावा कच्छू सुनाई नहीं देगा। हाँ, और यहाँ की हवा और पानी में तो ऊ तासीर है बाबूजी कि बड़े बड़े पागल भी अच्छे हुए हैं। हमें यकीन है बाबूजी आप भी। चलिए बाबूजी, आपके लिए कमरा तैयार कर दिए हैं। हाँ चलिए बाबूजी, आराम कीजिए। चलिए
चाचा ये मीना थी। बंसी चाचा मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ बाबूजी, आपकी आंखें, आपका दिल, आपके हाथ बड़े आशिक मिजाज हैं। यहाँ के लोग बड़े खतरनाक हैं बाबूजी, बहू बेटियों को हाथ लगाने पे हाथ काट देंगे। हाँ आप चलिए, आपके मिजाज के लिए शहर ही अच्छा है, चलिए। माफ करना बाबा, सारी मेहनत बेकार गई, वहां जाकर भी कुछ हाथ नहीं आया। बाबूजी उठो, बाबूजी खाना खा लो, खाना खा लो। नहीं चाचा भूख नहीं है। बाबूजी अब पिछली बातें भूल जाइयो बाबूजी, और हमारी बात मानो। हाँ कल से कॉलेज जाना शुरू करो और मन लगा के पढ़ाई करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ खाओ, खाना खा लो बाबूजी। हाय विकी। नमस्ते। प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। प्रिंसिपल साहब ने? हाँ चलिए। खड़े क्यों हो, बैठो। तुम जाओ। गायब रहते हो, कॉलेज में ही आते। तुम समझते हो ये बात छुपी रहेगी? तुम्हारी सारी बातें मुझ तक पहुंच चुकी है, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। बोलो, बोलते क्यों नहीं? प्रिंसिपल साहब सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी होगा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा आवारा लफंगा बदमाश मेरी ही कॉलेज में आकर सुधरेगा, शांत हो जाएगा। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है, मुझे मीना मिली थी कल। कल? ये कैसे हो सकता है? कल नहीं तो परसों मिली होगी, मगर मिली जरूर थी, और मुझे उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। दिल लगा के पढ़ो और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह मेरे कॉलेज में रहो। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और तुम भी खुश हो जाओ। जाओ जाओ जाओ। हेलो। मेरा नाम मालूम है? मालूम है नहीं, रघुनाथ है। रघुनाथ? हाँ भैया जी, अब बंदे रही। अरे नहीं भाई, मुझे पांचवे माले पे जाना है, मैं सीढ़ी चढ़ के जाऊंगा, जल्दी पहुंचूंगा। सीढ़ी तेज देन लिफ्ट, सीढ़ी तेज देन लिफ्ट, टू बी नोटेड मी लॉर्ड, सीढ़ी तेज देन लिफ्ट, सीढ़ी तेज देन। हेलो, मेरा नाम रघुनाथ। मेरा नाम भी रघुनाथ है। एक मियानी में दो तलवारें, एक बिल्डिंग में दो रघुनाथ, हो नहीं सकता। रघुनाथ दरवाजा खोलो। रघुनाथ जिस माँ की दूध
मौत का कारण मैं हूं। कानून क्या तो मुझे सजा नहीं मिली, लेकिन भगवान मुझे अपने आप कड़ी से कड़ी सजा दे रहा है। बाबूजी चाय बना के लाओ। बाबूजी नहीं, मीना प्यार की एक देवी थी चाचा, मैंने उसके साथ धोखा किया है, उसके प्यार के साथ बहुत बड़ा फरेब किया है। आज सब कुछ खो जाने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मैं भी मीना से बहुत प्यार करता हूं। भगवान चाचा किसी भी सूरत पर मीना को वापस ला दो। अब कहां से लाए दो बाबूजी, मर के भी कोई कभी वापस आया है? मैं चाय लाता हूं बाबूजी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूत प्रेत पर बातचीत करेंगे, आत्मा पर चर्चा करेंगे। शरीर को छोड़ देने के बाद आत्मा कहां जाती है, उसका शरीर होता है या नहीं, इस पर विचार करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी ऐसी आत्मा जिसे अपनी खास इच्छा के शरीर छोड़ देना पड़ता है, वो आत्मा अशांत आत्मा होती है, भटकती रहती है। ये है जीवित अशांत आत्मा। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीमा सीमा अभी भी तुम्हारे सब मिला थी ना? हाँ। कहाँ चली गई? अकेले कहीं दूर जाने की बातें कर रही थी, वीराने में। मीना वीराने में अकेली चली गई? अरे मीना तो अभी अभी लाइब्रेरी की तरफ गई है। मीना यहाँ आई थी क्या? शायद आई हो। शायद नहीं, ठीक ठीक बताई थी कि नहीं? अभी देखता हूँ। ये देखो आई थी, उसके दस्तखत, किताब लेकर गई है, प्रेत आत्मा। ये कैसे हो सकता है? विकी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मीना के पास ले चलता हूँ। आओ चलो आओ। खन्ना मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा विकी अब वो विकी नहीं रहा जिसे अपना बेटा कहने में तुम्हें शर्म आए। प्रिंसिपल साहब, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। बंसी चाचा बनकर आपने कमाल कर दिया। कमाल नहीं, ये इनका करिश्मा है, करिश्मा। उपाध्याय तुमने मेरी बिगड़ी हुई औलाद ही को नहीं सुधारा, बल्कि रात को दिन कर दिया। मैं जब तक जीऊंगा तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये मुझे अकेले का काम नहीं है खन्ना, इसमें मीना की भी बड़ी मेहनत है। मुझे उस देवी का भी शुक्रिया अदा करना है। और मेरे ख्याल से विकी को भी ये सब कुछ बता देना चाहिए अब। लेकिन मेरा बेटा है कहाँ? क्यों विकी, याद आ रहा है ना वो दिन जब कॉलेज की कैंटीन में तुम हीरो बने थे और मुझे विलन बनाया था? आज उल्टा हो गया ना सब कुछ। ये मौका मुझे मेरी तकदीर ने दिया है। तुम्हें मीना चाहिए ना, लेकिन तुमने तो उसे धोखा दिया, उससे फरेब किया। वो नाजुक दिल ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेचारी मर गई। तूने उसे यहीं दफनाया है ना? बोल तुझे क्या सजा दी जाए, बोल। जो चाहे तो मार डालो मुझे, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। तू प्रायश्चित करना चाहता है? खोल दो इसे। लो, भोंक लो इसको अपने सीने में। तुम मीना के पास पहुंच जाओगे और उसकी भटकती हुई आत्मा को शांति मिल जाएगी। ले लो, भोंक लो इसे। ये सब लोग बदमाश हैं, इनके बहकावे में मत आना विकी। नहीं मीना, मैं पापी हूँ, मुझे मर जाने दो, तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे मुझे नहीं विकी, मैं मरी नहीं, मेरी बात कभी
विश्वास करो, ये सब नाटक था, मैं जिंदा हूँ। हाँ ये जिंदा है, अब तुझे मालूम है मैं इसके साथ क्या सुलूक करूंगा। पहले इसके जिस्म के साथ खेलूंगा, फिर इसे मारकर इसी कब्र में दफनाऊंगा जहाँ तूने इसे दफनाया था, और तू खुद अगर बच भी गया तो कानून तुझे मार देगा। इट्स वेरी सिंपल, कम ऑन। चाचा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बेटी। आप बंसी चाचा? हाँ। ऐसा लग रहा है कि मिस्टर उपाध्याय की मेहनत सफल हो गई, और ये कहावत कि कितना भी घी मलो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, कभी सीधी नहीं होती, इनके केस में गलत साबित हुई। देखा आपने, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, कभी सीधी नहीं हो सकती। अच्छा, बस यही एक रास्ता बचा है, इमोशनल ब्लैकमेल। आगाज चाहे कैसा भी हो साहब, अंजाम अच्छा है तो कहानी अच्छी है।